सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे सूतली बोम की बॉक्स को हटा के नहीं पूरे सूतली बोम को खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या आता है और क्या नहीं आता है कोई ज्यादा हार्ड सूतली का यूज नहीं लेते हैं ये कोई बिल्कुल पतली वाली बिल्कुल बेकार जो होती है ना उसी सूतली का यूज करते हैं इसे ये, ये देखो बिल्कुल पतली वाली सूतली आती है देखो देखवाइस देखते हैं क्या सूतली बोम को खोलने के बाद भी वो कुछ जल पाता है या नहीं गाइस अब बत्ती के जल्दी से आग लगने वाली है गाइस अब भाग चलते हैं चलो वन टू थ्री गो आपने अनबॉक्सिंग काफी सारी देखी होगी लेकिन आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे सूतली बोम की बॉक्स को हटा के नहीं पूरे सूतली बोम को खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या आता है और क्या नहीं आता अगर आप सामने डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा चलिए गाइस करते हैं अनबॉक्सिंग सबसे पहले ये देखो गाइस ये बेजिंग तो हटा दी इसकी लेकिन गाइस से काफी हल्का है इतना ज़्यादा भारी नहीं है क्योंकि भाई इसके अंदर एक शायद प्लास्टिक हो गया बोलते हैं उसको तो कागज़ का बॉक्स आता है उसके अंदर बारूद आता है लेकिन अभी आपके सामने खोल के दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं ये दो गायस कुछ ऐसा दिखता है हमारा सूतली बाहर से जिसके बाहर चारों तरफ सूतली लपेटी हुई होती है गैस बांधी हुई होती है भाई कितनी सूतली लपेट के देते हैं इस सूतली बम ने जब इसका नाम सूतली बम पड़ रखा है गाइस इतनी सूतली गाइस और किसी काम में यूज नहीं में जा सकती है और ये देखो इसके अंदर क्या मिलता है अपने को एक बॉक्स मिलाएगा इस वो भी पेपर वगैरह का चिपका के रख रखे हैं गाइस वाइस इसके अंदर आता है खतरनाक बारूद ये देखो देखवाइ फुल भरा हुआ बारूद आता है गाइस इसके अंदर इतना सारा जो इसके ऊपर तक आ रखा है गाइस फुल भर रखे हैं बारूद तो ये ये देखो गाइस गाइस अब होता क्या है ये बारूद तो इतना ही है इसके अंदर ये देखो गाइस सीमेंट के जैसा बारूद है गाइस दिख रहा है आपको ये देखो भाई इस सूतली बम के अंदर जो बीस रुपए वाला बम आता है ये, का है ये द, द, दस का आता होगा मेरे को पता नहीं है लेकिन गाइस शायद बीस का ही होगा तो भाई इतनी सारी तो सूतली आती है गाइस सूतली बम के अंदर और साथ में इतना सारा मिलता है मतलब बारूद तो कम ही है लेकिन गाइस ये इतना धमाका करता है तो ये गाइस बारूद इतना भी खूब है और ये देखो भाई ऐसा कुछ बॉक्स आता है इसको पैक कर देते हैं ऐसे पैक करके और एक जो छेद निकाल देते हैं जिसमें ये बत्ती डाल दी जाती है गाइस ऐसे ये देखो गाइस ऐसे बत्ती डाल देते हैं बत्ती डालने के बाद इस सूतली लपेट देते हैं चारों तरफ और जब गाइस हम बत्ती के अंदर आग लगाते हैं तो गाइस वो सारी जैसे ही बारूद के अंदर आग लगती है गर्म होता है बारूद वैसे ही गायस इसके अंदर काफी सारी जो गैसेज हैं वो क्रिएट होती है और गैसेज क्रिएट होने के बाद में क्या होता है गाइस आप सभी को पता है क्रिएट होने के बाद में रिएक्शन होता है आपस में गैसे मिलती है और रिएक्शन होने के बाद में गाइस गाइस ये बूम से जाता है खतरनाक जो तो कि एक डब्बे से बनाया जाता है गाइस अब तो आपका सभी का दिमाग सही होगा अब गाइस अब हम इतना कर लिया इसको सब कुछ अब हम इसको छोड़ के देखेंगे कि भाई अभी भी छूटता है या नहीं इसको वापस से पैक कर देते हैं एक दो सुतली बांध देते हैं गाइस वापस ऐसा करते हैं छूटना तो चाहिए गाइस अपन ने कुछ किया तो है नहीं इसके साथ वैसे भी अब देखते हैं गाइस क्या ये सूतलेब हम छूट पाएगा या नहीं ऐसा किसी ने नहीं किया वो गाइस अभी तक क्योंकि तो भाई सभी जो सूतलेब है खोल के देख लेते हैं उसको फेंक देते हैं वेस्ट कर देते हैं लेकिन गाइस हम थोड़े उल्टे दिमाग के हैं तो गाइस हम इसको छोड़ के भी देखेंगे कि भाई ये छूटता है या नहीं देखते हैं क्या सूतलेब को खोलने के बाद भी वो कुछ जल पाता है या नहीं गाइस अब बत्ती के जल्दी से आग लगने वाली है गाइस अब भाग चलते हैं चलो वन टू थ्री को अब गाइस देखते हैं क्या फूट पाएगा या नहीं खतरनाक फूटेगा या फिर नहीं फूटेगा लग गई है शायद आग वाह इतना धमाका नहीं हुआ गाइस थोड़ा दब गया आवाज़ दब गई क्यों क्योंकि भाई उसके अंदर सूतली रखी हुई होती है लेकिन अभी गाइस कोई मतलब नहीं है अब फूटा है पूरा जो बारूद है इसका कहाँ निकल गया उड़ गया गाइस धुआं बन के उड़ गया इसका पूरा बारूद और अब ये नहीं फूटेगा जिसको इसको जितना फूटना था ये फूट चुका है ये देखो गाइस पूरा अब इसके अंदर बारूद है वो जल रहा है ओनली चलो गाइस दिखा दिया आपको अगर अब यह वाली वीडियो पसंद आई हो यहाँ तक तो गाइस प्लीज चैनल पर नाइल तो चैनल को तो लेना सब्सक्राइब चलिए मैं जैसे तो ही न्यू ब्लॉग न्यू कॉन्ट के साथ बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग